राजस्थान के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और एक प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वे सब बहुत ही गरीब थे। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वे सब्जियां उगाया करते थे। ऐसे ही एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी मैं क्या कहता हूँ, इस बार हमारे टमाटर की फसल कितनी अच्छी हुई है ना, इसे देखते ही मेरा सीना चौड़ा हो गया। अगर हम इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेचेंगे तो इससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम अपनी पिंकी का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा पाएंगे। हाँ टुन्नू जी, आप ठीक कह रहे हैं। कल सुबह होते ही हम इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच देंगे और अपनी पिंकी का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। उस दिन दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। वे पूरे टाइम अपने फसल के ही बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अचानक उसी रात इतनी जोर से बारिश आती है कि टुन्नू की सारी फसल खराब हो जाती है, जिसे देखकर टुन्नू और टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगते हैं। टुनटुनी, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इस बारिश ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। मैंने अपनी सारी कमाई इस फसल में लगाई थी और वो भी खराब हो गई। अब तो हमारे पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे टुनटुनी? अजी आप परेशान ना होइए, भगवान जो भी करता है सब हमारे भले के लिए ही करता है। आप इस तरह उदास ना हो। हे भगवान, हमने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, आप हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान? वे दोनों पति पत्नी उदास मन से अपने घर चले आते हैं। जैसे ही वे अपने घर आते हैं, बाहर किसी के पुकारने की आवाज आती है। तभी टुनटुनी बाहर आकर देखती है